मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया कि कम अवधि में किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। कुछ हमने आपको टिप्स दी परीक्षा में सफलता की, और वीडियो के इस दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे परीक्षा के एक दिन पहले किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, परीक्षा के दौरान परीक्षा हाल में किस तरह आपको अपने एग्जाम्स के उत्तर लिखने हैं, और जब आप परीक्षा दे करके घर पे आते हैं तो उस दौरान आपको किस तरह से अपनी तैयारी करना है, आपको क्या करना है, एक रात पूर्व क्या करना है। तो देखिए, एक दिन पहले जैसे कल आपका पेपर है, तो आज आपको क्या करना है कि आपको जो रिविज़न है, जो मैंने नोट्स की बात कही ना कि आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स बना लें, तो वो जो रिविज़न वाली आपकी कापी है उसकी एक बार पूरी पुनरावृत्ति कर लें, उसको पूरा रिवाइज कर लें, और इसके बाद किताब को बंद करके आप पर्याप्त नींद लें, आराम से सोएं, निश्चिंत होकर सोएं। सुबह जब आपको एग्जाम देने जाना है उसके पहले ही, यानी कि आज ही, एक दिन पहले ही आपका जो ड्रेस है या जो भी आप पहन के जाएंगे और जो शूज वगैरह आपके हैं, पहले से ही आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक ठाक रखे होने चाहिए। परीक्षा सेंटर में, एग्जाम सेंटर में एक चीज़ और ध्यान रखें, कपड़े हमेशा आदमी को सामान्य कपड़े पहनने चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम असहज महसूस करते हैं, इतने टाइट कपड़े पहन लेते हैं कि ठीक ढंग से बैठ नहीं पाते, और उस दौरान हमें उत्तर लिखने में भी असुविधा होती है। तो आप जो सामान्य कपड़े पहनते हैं वही पहन के जाएँ, कुछ अलग करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर इसी तरह से परीक्षा के लिए जो सामग्री है, आपका प्रवेश पत्र होगा, एग्जाम का पैड होगा, आपका पेन बॉक्स होगा जिसमें कम से कम 2 या 3 पेन तो आप अवश्य रखें, एक छोटी सी स्केल भी रखें, और जो पानी की बोतल है, हालांकि पानी की व्यवस्था एग्जाम सेंटर में होती है, फिर भी आप अपनी पानी की बोतल ज़रूर रखें, उससे आपका ही समय बचेगा और आप निश्चिंत होकर प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। कुछ और बातें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सुबह जब आप उठते हैं, जिस दिन परीक्षा आपको देने जाना है, एक तो आपको रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। जो आपने रात में एक बार रिवाइज किया था उसी नोट्स को एक बार दोबारा सुबह देख लीजिए। फिर नाश्ता आप हल्का लीजिए, बहुत हैवी आपको डाइट नहीं लेनी है, कम खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप नाश्ता कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगी कि एग्जाम सेंटर में जब आप उत्तर लिखेंगे तो उस समय आपको नींद सी महसूस होगी, तो बेहतर होगा आप ताज़ा नाश्ता करिए, कम खाइए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, और जो आपकी किताबें और नोट्स हैं उनको आपको एग्जाम सेंटर में लेके नहीं जाना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब अपने घर से एग्जाम सेंटर की तरफ जाते रहते हैं, वो जिस रिक्शे में होते हैं या जिस बाइक में होते हैं, वो उस दौरान भी पढ़ते ही रहते हैं। ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, दिमाग को बिल्कुल आपको शांत छोड़ना है एग्जाम के 2 घंटे पहले, ठीक है। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे आपके मित्र ऐसे होंगे जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अरे यार ये तुमने पढ़ा कि नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देंगे जिसमें आप उलझ जाएंगे, और आपने जो तैयारी कर रखी है वो भी बिल्कुल आपका ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे सब भूलता जा रहा है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए, एक तो आप नया टॉपिक उस दिन बिल्कुल मत पढ़िए, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए, और मित्रों से आप एक तो दूरी बना के रखिए, या इस तरह की कोई बात मत छेड़िए जिससे आपको असुविधा हो, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसकी आपकी तैयारी नहीं है, और फिर आपका जो दिमाग है घूमने लगेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेते हैं परीक्षा के दौरान क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे हमेशा ध्यान रखिए। परीक्षा हाल में जब आप बैठते हैं बिल्कुल शांत बैठिए, कोई भी वहाँ पे आपकी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मन आपका शांत होना चाहिए, चित्त बिल्कुल शांत होना चाहिए, आपका ध्यान केवल आपके सामने होना चाहिए, आपको जो कॉपी मिली है, क्वेश्चन पेपर मिला है, उस पर आपको केंद्रित करना है, इधर उधर दाएँ बाएँ आगे पीछे ताक झांक नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठिए, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एग्जाम सेंटर में अपने मित्रों से इशारे करते रहते हैं, ये सब अवॉइड करिए, इन सब से आपका ध्यान भंग होगा। फिर जब आप पेपर जब आपका चालू होने वाला है, उससे थोड़ा पहले जब आप अपने स्थल पर पहुँच जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट आप अपने अंदर आप गहरी सांस लीजिए और आँखों को बंद करिए, 2 मिनट शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, और इसके बाद आप नई एनर्जी महसूस करेंगे। ये एक तरह से जो हम लोग योग व्यायाम करते हैं उसी का पार्ट है, और शरीर में एनर्जी आती है, इससे स्फूर्ति महसूस होती है, ऊर्जा का संचरण होता है, इसके लिए होता है। इसके बाद आपको क्या करना है,
जब प्रश्न पत्र मिलता है, देखिए प्रश्न पत्र मिलने के बाद अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग गतिविधि होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे प्रश्न पत्र मिला इतना तेजी से उसको पढ़ेंगे, उत्सुकता तो सब में होती है कि चले देखें क्या क्वेश्चन आया, जो हमने पढ़ा है वही आया है नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल शांत मन से 10 मिनट तक आराम से उसको पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। 10 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए देना ही है। कुछ लोग 2 मिनट में पढ़ के उत्तर लिखने लगे, कुछ लोग 4 मिनट पढ़ेंगे, कुछ लोग 6 मिनट पढ़ेंगे, कम से कम 10 मिनट दीजिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं और इसके बाद जब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं, तो आप के दिमाग में उन प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद आने लगते हैं। इसलिए ज़्यादा समय देना चाहिए प्रश्न पत्रों को पढ़ने में। अगर आपने जल्दी जल्दी पढ़ा तो आपका दिमाग उनको रिवाइज नहीं कर पाएगा और फिर उतने अच्छे से आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड को उचित समय दें। अब इसमें से संबंधित कुछ चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः कई लोग ये बोलते हैं कि परीक्षा में उन प्रश्नों को पहले लिखिए, उन प्रश्नों का उत्तर पहले लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं और करना भी यही चाहिए। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम ज़्यादा समय दे देते हैं। अब हमसे कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से बन रहा है तो हम अपनी पूरी विद्वता उसी में दिखा देते हैं, 3 पेज लिख देंगे, 2 घंटे लिख देंगे, फिर 1 घंटे में बाकी जो बचा हुआ है उसको करने लगते हैं। ये नहीं करना है, हमें जो लिमिटेशन है शब्दों का वो भी ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। और बड़े उत्तर वाले प्रश्नों को हमेशा कोशिश ये करें कि हम पहले कर लें, क्योंकि उसमें जो मार्क्स हैं ज़्यादा मिलते हैं। पहले लिखने से फ़ायदा क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है, 20-20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 60 नंबर के ये हैं, अगर आप उनको पहले कर लेते हैं और बाद में आपके 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन छूट भी गए तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, पहले 2-2 नंबर वाले में आप लगे रहें, फिर लास्ट में आपके पास केवल आधा घंटा बचा और 20-20 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने हैं, उस स्थिति में आप मुश्किल से 1 कर पाएंगे और आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, यानी कि 40 नंबर आपके ऐसे ही रह गए, तब आपको अफसोस ज़्यादा होगा। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि बड़े उत्तर वाले प्रश्न, बड़े मार्क्स वाले प्रश्न पहले करें, ठीक है ना। और जब आप आंसर लिखते हैं तो उस समय आपको शीघ्रता से लिखना है। अब ये नहीं कि आप उत्तर लिखे और इसके बाद ध्यान नहीं आ रहा तो आप आधे घंटे सोच ही रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा। अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन कर लीजिए, उस पर अपना समय आपको नहीं खराब करना है, जितना बन रहा है उतना ही करिए, उसके चक्कर में बाकी प्रश्नों को मत छोड़िए, ठीक है ना। और समय के प्रति हमेशा सजग रहें, इसीलिए एग्जाम सेंटर में आप वॉच पहन के जाएँ, और आपने देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर में घड़ी लगी हुई होती है, आप उसका अवलोकन करते रहें। एक जो बात मैंने इसमें आपको लास्ट में कही, वहाँ से थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ कि समय के प्रति सजग रहें। इसका एक सीधा सा लॉजिक ये भी है कि जब आप प्रश्न पत्र आपको जब मिलता है और आप जब प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि सपोज मान लीजिए 10 क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आप जब उनको अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से 5 या 6 या जो भी है आपके संदर्भ में जो भी हो, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे हल्का फुल्का तो आता है, कुछ ऐसे होंगे कि बिल्कुल नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन पे आप टिक कर लीजिए, उससे फायदा क्या होगा कि बार बार आपको प्रश्न पत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिन प्रश्नों को आपने टिक कर रखा है उनका उत्तर आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आपको उनको पहले लिखना है, और आप लिखेंगे भी पहले, तो पहले आप उनको लिखें जो अच्छे से आते हैं, उनको टिक कर लें, और बार बार प्रश्न पत्र पढ़ने की फिर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो चलिए, मैं समझता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और मैं आगे बढ़ता हूँ, और भी कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो डायरेक्टली आपसे बनते नहीं हैं, लेकिन उससे संबंधित जो टॉपिक है आपने वो पढ़ रखा है, तो ऐसी स्थिति में बजाय कि आप उनको छोड़ दें, उस पर बिल्कुल प्रयास न करें, बेहतर होगा कि आपसे थोड़ा बहुत जो भी आता है, जो भी आपने पढ़ रखा है उससे ही लिखें, लेकिन उनको छोड़िए मत, क्योंकि इवैल्यूएटर आपको कुछ मार्क्स तो देगा ही अगर आपने थोड़ा बहुत भी उनके बारे में बता दिया। आपके पास अगर समय है तो आप जरूर उनका जवाब लिखने का प्रयास करिए। और कुछ और चीज़ें हैं कि परीक्षा समाप्ति के बाद क्या करें। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट रोल परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान और उसके बाद, परीक्षा के बाद वाले समय का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप प्रश्न पत्र हल करके परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, अरे भाई तुमने कितने किए, तुमने इसका क्या उत्तर लिखा। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बताइए, एकदम बैलेंस रखिए, और बेहतर हो तो आप उस संबंध में बात ही मत करिए।
जो आपने उत्तर लिखे उनको ही भूल जाइए, जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपका टाइम पूरा होता है उसके पहले, यानी कि 3 घंटे का अगर आपका पेपर है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद निश्चिंत बैठे रहते हैं कि जब हमसे कापियाँ ली जाएंगी हम दे देंगे। बेहतर होगा कि आप प्रश्न पत्र से मिला लें कि कितने क्वेश्चन करने थे, आपने कितने किए। और कई बार हम ये सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो अभी बन नहीं रहा, लास्ट में कर लेंगे, पहले जो बन रहे उनको कर लें, और फिर लास्ट में ध्यान ही नहीं आता कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने छोड़ रखा था बाद में करने के लिए, और हम ऐसे ही कॉपी दे के चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उनको मिला लीजिए, जो नहीं किए हैं वो भी देख लीजिए, उनमें से जो आप कर सकते हैं बचे हुए समय में उसको कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा जो आपसे बनता हो, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। चलिए मैं अब आगे आपको कुछ और बातें बताता हूँ जो आपके काम की हैं और इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो परीक्षा समाप्ति के बाद क्या करना है, एक तो ये है कि प्रश्न पत्रों के उत्तरों को जो भी आप लिख के आए उसको आप भूल जाइए, उस पर बार बार दिमाग पर जोर मत डालिए, जो भी लिखा जैसा भी लिखा, ठीक है ना। और घर आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फिर पुस्तकें खोलेंगे, नोट्स निकालेंगे और फिर सर्च भी करेंगे इंटरनेट पे कि यार इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, हमने क्या लिखा, फिर दोस्त को भी बताएंगे यार ये वाला तो मेरा गलत हो गया। इन सब में मत पढ़िए, बिना मतलब में आपका दिमाग पे जोर लगेगा और फिर जो आएगा आपका प्रिपरेशन है ना वो भी प्रभावित होगा। तो बिल्कुल आप आने के बाद खाना खाइए, रेस्ट कीजिए और जो अगला प्रश्न पत्र है उसकी तैयारी करिए, क्योंकि जो पीछे जो होना था वो तो हो गया, अब उस पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कापियाँ जमा हो गई, वो चली गई, अब उस पर आप बिना मतलब में अपने दिमाग पे जोर मत डालिए, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न पत्र की आपको तैयारी करना है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। तो एक बार फिर से आप सबको आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए परीक्षा तो एक उत्सव है और इसमें आप वही उमंग दिखाइए, उल्लास दिखाइए जैसे आप दूसरे त्योहारों में दिखाते हैं, होली में दिखाते हैं, दीपावली में दिखाते हैं। इस उत्सव को बिल्कुल मन से मनाइए, कभी भी भयभीत मत होइए। और जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं हो सकता है थकान उनको महसूस हो, लेकिन एक्चुअली में थकान होती नहीं है, एक संतोष मिलता है जब आप मेहनत करते हैं और जब उसका परिणाम आता है, आपको सफलता मिलती है, तो एक जो संतुष्टि आपको मिलती है उसको केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसमें हम आपको समय समय पर मोटिवेशनल वीडियो भी देते हैं जिससे आपके अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।